नमस्कार दोस्तों, नेट समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवम उपाध्याय। आज आपको इस वीडियो बताएंगे, यदि आप पेटीएम ई के वाई सी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं। बिल्कुल फ्री में डायरेक्ट पेटीएम से आप ई के वाई सी सेंटर ओपन कर सकते हैं। उसमें क्या क्या डिवाइस की ज़रूरत होगी, प्रत्येक ई के वाई सी कंप्लीट करने पर आपको कितना कमीशन मिलेगा और कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डायरेक्ट पेटीएम से पेटीएम ई के वाई सी सेंटर को ओपन करने के लिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ई के वाई सी सेंटर को चालू करने या चलाने के लिए आपके पास क्या क्या डिवाइस होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपका स्मार्टफोन हो और ओ टी जी डाटा केबल को सपोर्ट करता हो। ये वही ओ टी जी डाटा केबल है जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा और यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके चार्जिंग पिन में कनेक्ट होगा और यहाँ पे आपका मार्फो का जो सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा यहाँ पे लगेगा। ये है मार्फो का सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको परचेज करना होगा। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजन से। अगर आप अमेजन से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करके डायरेक्ट अमेजन से इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं भी है तब भी आप पेटीएम का ई के वाई सी का काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कम कमीशन मिलता है। अगर आपके पास ये डिवाइस होता है तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलता है, क्योंकि आप ई के वाई सी तब कंप्लीट पूरा करते हैं, नहीं तो आप मैनुअली करते हैं तो उसमें समय भी आपका लगता है और आपको कमीशन भी कम मिलता है। और ये सारे डिवाइस आपके पास अगर हो जाती हैं तो आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ई के वाई सी सेंटर को ओपन करने के लिए, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसमें एक आपको लिंक लिखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए www.paytm.com/partner करके आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। इसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए बिकाम ए पेटीएम पार्टनर, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एज ए पेटीएम पार्टनर। यानी अगर आप ई के वाई सी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस रजिस्ट्रेशन पेज को भरना होगा, जो कि बेसिक डिटेल आपकी मांगी जा रही है, जो आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या स्टेप आपको, मतलब कि किस स्टेप में आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार स्टेप में आपका यह ज्वाइनिंग प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है। पहला स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, यहाँ पे देख लीजिए ये रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद अपने वॉलेट का, यानी आप भी एक पेटीएम वॉलेट यूज करते होंगे, अगर नहीं करते तो आपको एक पेटीएम वॉलेट बनाना होगा अपना। और इसके बाद अपना ई के वाई सी कंप्लीट कराना होगा, यानी अपने वॉलेट का जो लिमिट है 20,000 का, उसे आपको 1,00,000 का कराना होगा, यानी ई के वाई सी को कंप्लीट करवाना होगा। ई के वाई सी आप किसी ई के वाई सी सेंटर से करा सकते हैं, जो भी आपके नज़दीकी हो या उनसे आप करा सकते हैं। जब आपका ई के वाई सी कंप्लीट हो जाता है, जब आप रजिस्ट्रेशन पेज को, तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन को भरते हैं। अगर ई के वाई सी कंप्लीट हो रहता है तो जल्द ही आपको जो पेटीएम से तुरंत मेल आ जाता है और उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इंफॉर्मेशन में जैसे कि एक एप्लीकेशन आपको वहाँ से दिया जाता है जिसका नाम है गोल्डन गेट ऐप, ये आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल होता है और इसी से आप लोगों का ई के वाई सी कंप्लीट करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है इस पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, जो पूरा ट्रेनिंग आपको दे देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है। अभी आपको कैसे ई के वाई सी सेंटर ओपन करना है ये जान लीजिए। जब आपके पास, मान लीजिए आपका ई के वाई सी कंप्लीट रहेगा, तो जो आपको पेटीएम से मेल आएगा उसमें कुछ बैनर होंगे, पोस्टर होंगे, और ये जो गोल्डन गेट का एप्लीकेशन होगा, और एक आपको एग्रीमेंट फार्म होगा, उसको आपको यस करके उनको भेजना होगा। जब ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब कंप्लीट योर पेटीएम पार्टनर ट्रेनिंग एंड गेट स्टार्ट। इसके बाद पेटीएम आपको ट्रेनिंग भी देती है, ट्रेनिंग आपको इसी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, और पेटीएम के जो अधिकारी होंगे वो आपको कॉल भी करेंगे और जानकारी भी दे देंगे कैसे आपको काम करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेनिंग नाम का आपके सामने लिंक है, उस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है, कैसे आपको पेटीएम ई के वाई सी में काम करना है, कितना आपको कमीशन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं पे आउट कमीशंस कितने हैं, हाउ टू यूज पेटीएम, पेटीएम को यूज कैसे करना है, हाउ टू डू कस्टमर के वाई सी, कस्टमर के मतलब कि कंप्लीट कैसे ई के वाई सी उनका करना है, तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे हमको जानना है कि कितना हमको कमीशन मिलेगा, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने कमीशन की भी लिस्ट आ जाएगी कि कितना कैसे हमको कमीशन मिल रहा है। ये सारा प्रोसेस आपको बड़े ही आराम से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि कैसे कैसे आपको कमीशन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बताया गया, यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं।
यहाँ पे देख लीजिए कमीशन कैसे आपको बता देते हैं। अगर आप फिंगरप्रिंट यानी मार्फो के डिवाइस से बायोमेट्रिक से करते हैं तो आपको 20 रुपया पर ई केवाईसी पे कमीशन मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए अगर नॉन बायोमेट्रिक करते हैं यानी मैनुअली करते हैं, जैसे कि आधार का डॉक्यूमेंट हो गया या पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट हो गया या कोई अदर डॉक्यूमेंट लगाते हैं जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको 15 रुपये कमीशन मिलते हैं। अगर आधार के फिंगरप्रिंट से करते हैं तो आपको 20 रुपये मिलते हैं। इसके बाद आपको एक्टिव कस्टमर इंसेंटिव भी मिलता है। अगले महीने यहाँ पे देख सकते हैं अगर कस्टमर 50 रुपये तक का रिचार्ज उचार्ज कर लेता है या बिल पेमेंट कर लेता है या कोई शॉपिंग कर लेता है पेटीएम से तो आपको 20 रुपये मिलते हैं। फिर से अगले महीने में अगर आप बायोमेट्रिक किए हैं, अगर आप मैनुअली किए हैं तो आपको 15 रुपये मिलते हैं। यानी टोटल अगर आप बायोमेट्रिक किए हैं तो 40 रुपये कमीशन आपको मिल जाएंगे अगर कस्टमर अगले महीने कोई रिचार्ज वगैरह करेगा तो, नहीं तो 20 रुपये तो आपको कन्फर्म है। और इसके बाद अगर नॉन बायोमेट्रिक है तो आपको 30 रुपये मिल जाएगा। तो ये है आपका कमीशन। यहाँ पे देख सकते हैं बताया भी गया है कि एक्टिव कस्टमर इंसेंटिव पे आउट ट्रिगर व्हेन कस्टमर डज मिनट वन ट्रांजेक्शन ऑफ RS 50 ऑन। यानी एक बार में अगर एक कस्टमर 50 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन कर लेता है अगले मंथ में तो आपको फिर से 20 रुपये का इंसेंटिव मिल जाता है। यानी आपको टोटल 40 रुपये मिलेंगे बायोमेट्रिक पे और नॉन बायोमेट्रिक पे आपको 30 रुपये मिलेंगे। ये टोटल आपकी कमीशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और इंसेंटिव आपको मिलते हैं। मान लीजिए 3000 रुपये का फ्लाइट टिकट वगैरह कुछ बुक करते हैं तो आपको 15 रुपये और इंसेंटिव आपके वॉलेट में आ जाते हैं। चलिए ये सारा प्रोसेस है, मतलब ये सारा कमीशन है आपको जो मिलने वाला है पेटीएम से। और आपको ट्रेनिंग यहाँ पे ले लेनी है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वैसे हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा। अभी आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले इसका रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पे आपको देना है। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद अपना जो बिजनेस आपका नेम है उसको आप यहाँ पे देना है। इसके बाद अपना बिजनेस का जो भी एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। फिर पिन कोड आपको लिखना है। इसके बाद जो भी सिटी है वो आपको लिखना है। अपना स्टेट आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉप टाइप आपका क्या है, यानी आपका किराना है या कौन सा दुकान है आपको उसको लिखना है। और शॉप सब टाइप क्या है आपको उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ये सारा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे, सारा फॉर्म यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जोड़ करके आप कैप्चा कोड यहाँ पे लिख देंगे प्लस करके। और इसके बाद फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आपने जो रिक्वेस्ट दी है वो पेटीएम को रिसीव हो चुकी है और 24 से 48 घंटे में उनके अधिकारी आपको कॉल कर लेंगे। फिर वो अधिकारी आपको कॉल करेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे, कैसे आप ईकेवाईसी सेंटर को चलाएंगे, क्या क्या एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, क्या डिवाइस आपके पास होनी चाहिए, कितना आपको कमीशन मिलेगा, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रहा आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझा देंगे और बड़े ही आराम से ईकेवाईसी सेंटर आपको दे देंगे और आप आराम से चला सकते हैं। और आपका जो कमीशन है कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा ये बता देते हैं। कमीशन आपके वॉलेट में मिल जाएगा। और कमीशन कब तक मिल जाएगा, कमीशन आपको हफ्ते हफ्ते मिल जाएगा। जो भी काम करेंगे हर मंगलवार को पेमेंट आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि आप अपने बैंक में भेज सकते हैं। तो काफ़ी इजी है पैसा मिलने में भी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो अगर आप पेटीएम ई के वाई सी का काम करना चाहें तो आज से ही अपना पेटीएम ई के वाई सी का काम शुरू कर दीजिए, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और प्रोसेस में अपना जो भी ई के वाई सी सेंटर लेना चाह रहे हैं उसको लगा दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।